फ्रेंड्स ये है दिवाली वाला दिन और मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो इसलिए आवाज को इग्नोर करना तो सुबह की शुरुआत कैसे हुई अभी मैं आपको दिखाती हूँ देखो सुबह हम जा रहे हैं दविता पूजन के लिए अभी साढ़े छह बजे हैं हम नहा के बिल्कुल तैयार के गए ओके रेडी अब निकल रहे हैं ये शाम की पूजा से शुरू हुआ है क्योंकि पूरा दिन तो कैसे निकल गया पता ही नहीं चला बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं पूजा की गांव भी जाना होता है यहाँ जहाँ रहते हैं यहाँ भी नेबर्स के यहाँ मिलन के लिए जाना होता है और ये बस बैठ के पूजा कर रहे हैं पूजा बहुत बारीकी से होती है धीरे धीरे तो वो उसमें तो काफ़ी समय लगता है तो इसलिए पूरा तो मैंने नहीं इसमें दिखाया है लेकिन बस जैसा मैंने यहाँ पे सजाया था वही मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने एक पोस्टर लगा दिया है और नीचे माता बैठी है गणेश जी और लक्ष्मी माता और चांदी का सिक्का भी यहीं रखा है जो हम ले आए थे तो वो ही सब उन्हीं की पूजा चल रही है बिल्कुल विधिवत तरीके से ये लोटा भी मैं लेके आई हूँ धनतेरस वाले दिन और मैं केवल बता रही हूँ अब है मैं पूजा से करा रही हूँ क्योंकि बच्चे भी इसी तरह सीखेंगे कि पूजा कैसे होती है और यहीं पे मैंने माता के लिए सारे भोग फल और चोगड़िया सब भर के रख रखे हैं मैं अब को बताती जा रही हूँ और अब पूजा करता जा रहा है तो पूजा करने का सबका अपना अपना ढंग होता है किसी के यहाँ किसी तरह होती है किसी के यहाँ किसी तरह तो वो तो अपना निजी है कि भाई आप कैसे पूजा करते हैं और इतनी जल्दी जल्दी सब होता है बाकी दिए सब बच्चे ले गए ऊपर लगाने के लिए तब मेरे याद आया कि एक दो आपने वीडियो भी नहीं बनाई तो बस बाद में दो दिए रखे थे तो इन्हें मैं बाहर वाली दिवाली के यहाँ रखने आई थी बाहर मतलब चौकट के यहाँ जो बीच में गेट है लकड़ी वाला उसका Happy दिवाली सभी को पूजा तो संपन्न हो गई है दिए भी सब लगा दिए हैं मैं आपको ये फाइनल लुक दिखा रही हूँ यहाँ पे हमने लक्ष्मी माता की पूजा की है अभी देख सकते हैं आप और ये अब मैंने जहाँ जहाँ भी मैंने डेकोरेशन की थी वहाँ सब जगह मैंने लाइटिंग कर दी है जहाँ मोमबत्ती या दिए जो भी लगाने थे वो लगा दिए हैं और अभी अब आप मैं आपको रंगोली भी दिखाऊँगी कि रंगोली कैसे कैसे बनाई है और उड़ली सजा के रख रखी है तो ये एक उडली मैंने मंगाई थी पीतल की है तो ये भी मैंने सजा दी है और यहाँ पे रख दी है और ये खाली बर्तन एक मैंने रख रखा है क्योंकि प्रसाद देने वाले आते हैं ना तो उसके लिए मैंने बाहर ही एक बर्तन रख दिया था यहाँ बीच वाले गेट पर जो मेन गेट है यहाँ पर मैंने माता के पैर बनाए थे एक उडली सजा दी थी और यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाया है इधर दिए लगा दिए हैं और यहाँ पे जहाँ पे फाउंटेन है यहाँ पे ये रंगोली पायर ने बनाई है पूरी कंप्लीट ये इधर भी ये भी पायल ने बनाई है, ये मैंने बनाई है गमले के पास जो बनी हुई है ये दिया भी मैंने बनाया है रंगोली का कुछ पायल ने बनाया वो थकी थी तो फिर थोड़ा थोड़ा सा मैंने बना दिया अब बहुत बड़ी नहीं बना पाते हैं क्योंकि फिर आने जाने का रास्ता थोड़ा बाधित हो जाता है या रंगोली ख़राब हो जाती है तो उससे और ये ये वाली रंगोली जो बाहर बनी है दोनों साइड ये भी मैंने बनाई है हैप्पी दिवाली अब पौधों को देखो देखो कितने खुश लग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इनकी स्पेशल दिवाली मनी है और घर इस तरह जगमग हो रहा है बिल्कुल सभी के हो रहे हैं माता रानी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और ये मेरे बाहर से लुक है जैसे भी थोड़ा सा सूट कर पाए देखो काम इतना ज़्यादा था कि मैं नहीं कवर कर पाई क्योंकि अकेले को सब कुछ करना होता है गांव जाना ही जिस जिस मोहल्ले में पहले रहते थे वहाँ जाना फिर यहाँ भी जाना सारा काम निपटाना नहीं कवर कर पाई पूरे को तो इसलिए जितना भी कवर किया था आपको दिखा रही हूँ बस हमने ऐसे ही दिवाली मनाई है आप सभी के लिए आई होप सो अच्छी बीती है दिवाली वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ये देखो यहाँ पे भी मैंने एक उडली सजा है बहुत छोटी सी बुद्धा जी के सामने कैंडल्स भी जला दिए एक उडली यहाँ पे मैंने सेंटर टेबल पर रखी है सजा के अंत में फिर आप दर्शन कर लीजिए माता के माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखें अपनी ये दो अखंड दीप हैं जो पूरी रात जलेंगे एक तेल का और एक ही का ये हम हमेशा ही यहाँ पे जला के रखते हैं और इस तरह का लुक था हम तीनों का इस तरह हम तैयार हुए थे अब बच्चों से खूब कहा बहुत सारे फ़ोटो उन्होंने नहीं खींचे लेकिन एक दो जो खींचा था बस वही मैं आपको तो दिखा रही हूँ ये गुड्डन और पायल है पायल गुड्डन की तरफ गई थी तो वहाँ उसने फ़ोटो क्लिक किए थे मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ राधे राधे